सो है गैस, आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे जो आज हम लोग का 22 तारीख हो गया, लेकिन हम लोग का YouTube पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, या फिर कुछ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो अगर आप लोगों का फर्स्ट पेमेंट आ रहा है तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली मैं क्लियर कर देता हूँ, या फिर आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप लोगों का YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ है, आप लोगों का YouTube पेमेंट आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, तो भी इन फ्यूचर अगर आपका भी YouTube चैनल मोनेटाइज होता है तो आपका भी YouTube से पेमेंट आएगा। अगर इस वीडियो को आप पहले देख लेते हो तो भाई नेक्स्ट टाइम आपको जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम का फेस आपको नहीं करना पड़ेगा, नहीं वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगा। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग का यूट्यूब पेमेंट अगर आता है तो हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को शुरू करने पहले आज का जो विनर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि भाई का चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। भाई को जाकर चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट टाइम अगर आप विनर बनना चाहते हो भाई आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, प्यारा से कमेंट करना है। अगर नेक्स्ट टाइम आप विनर बनते हो भाई आपको यूट्यूब चैनल प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे बात करें कि हम लोग को YouTube से अगर फर्स्ट पेमेंट आता है तो हम लोग को यहाँ पे $100 कंप्लीट होता है, यानी कि $100 उससे ऊपर होगा तो हम लोग आज ठीक है, $100 से नीचे अगर कंप्लीट होता है तो हम लोग YouTube पेमेंट जो है YouTube से नहीं आता है। और YouTube पे पेमेंट हम लोग को कब आता है, जो कि हम लोग को जिस भी मंथ में हम लोग YouTube से अर्निंग करते हैं ना, जो भी मंथ में, जैसे कि ये जो मंथ चल रहा है यानी कि जनवरी का मंथ हो गया, जनवरी से लेकर मतलब जो भी जनवरी में मतलब हम लोग अर्निंग किए वो फरवरी का 10 तारीख को मतलब हम लोग जो गूगल एडसेंस अकाउंट पर बैलेंस जो है YTS स्टूडियो से गूगल एडसेंस अकाउंट पर ऐड हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग जो फरवरी में 10 मतलब जो 1 फरवरी से लेकर जो भी मतलब हम लोग ये फरवरी में लास्ट फरवरी तक हम लोग अर्निंग करेंगे वो मार्च का 10 तारीख को हम लोग को गूगल एडसेंस अकाउंट पे ऐड हो जाता है। तो जिस टाइम अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में बैलेंस ऐड होता है उसी मंथ के 21 तारीख को हम लोग को अगर $100 मतलब कि उसी 10 तारीख को अगर $100 हम लोग को गूगल एडसेंस पे कंप्लीट हो जाता है तो वही मंथ में आपको 21 तारीख को जो यूट्यूब जो है पेमेंट हम लोग को भेज देता है। लेकिन 21 तारीख को भेजता है तो फिर भी हम लोग को यहाँ पे 3 से 4 दिन 5 दिन 6 दिन टाइम लग जाते हैं हम लोग को बैंक अकाउंट में पैसा आने के मतलब आने में, ठीक है? तो हम लोग का गूगल एडसेंस अकाउंट से पैसा कट जाता है, हम लोग को यूट्यूब जो है बैंक अकाउंट में भेज देता है, लेकिन फिर भी हम लोग को बैंक में पैसा अगर नहीं आता है तो उस कंडीशन हम लोग क्या करना चाहिए? तो सिंपल आपको करना क्या है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि जो पेमेंट आता है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, ठीक है? तो सिंपल आपको करना क्या कि आपको जाना है बैंक में जाना है, बैंक में जाने के बाद जो बैंक का जो मैनेजर होता है उससे आपको जाके बात करना है कि सर मेरा यूट्यूब से पेमेंट आया है, यानी कि US से मेरा पेमेंट आया है लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट में जो है पेमेंट नहीं आया, तो प्लीज़ मेरा अकाउंट को चेक कीजिए और बताइए मेरा अकाउंट में मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे मतलब एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलेगा, तो एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हो, जो कि एप्लीकेशन अगर आप बोलोगे भाई मैं लिखा हूँ उसको मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा वहाँ पे जाकर फॉलो करके मेरे को मैसेज करना कि राम प्रकाश भाई जो एप्लीकेशन आप लिखे थे उस एप्लीकेशन का फोटो भेज दीजिए, जिस तरह से मतलब आप लिखे हो उसी तरह से आप मतलब आप लोग भी लिख के भेज दीजिएगा अगर एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलेगा तो। और वहाँ पे अगर मतलब फॉर्म का एक फॉर्म भरना पड़ता है अगर आप लोग बोलोगे तो भाई तो उसका भी मतलब कि आप लोग को इंस्टाग्राम पर मैं भेज दूंगा, ठीक है? तो आपको वहाँ पर क्या होगा कि एप्लीकेशन देना पड़ेगा लिख के, वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा और यहाँ पे क्या है कि आधार कार्ड का मतलब पैन कार्ड का या फिर अपना बैंक पासबुक का जरूरत मतलब करके वहाँ पे मांगेगा, ठीक है? तो आपको दे देना है। अगर आप लोग का SBI का अकाउंट है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस अब आपको क्या करना है बैंक को लिंक करना है, आपका जो पेमेंट है वो मतलब 22 से 24-25 तारीख के अंदर आ जाएगा, ठीक है? और बैंक ऑफ इंडिया फिर दूसरा बैंक है तो आपको सब फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप लोगों का पेमेंट नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आप लोगों का पेमेंट जो है 28 तारीख या फिर 29 तारीख तक आपका पेमेंट जो है आ जाएगा, ठीक है? आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगी, पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मेरा पेमेंट कब आता है मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दे दूंगा कि मेरा पेमेंट कितना आया और कब आया।